हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद है सब के सब बढ़िया हो गए, अपने अपने घरों में हो गए और मजे कर रहे हो गए। तो मैं हूँ आपका दोस्त विवेक मेहता और स्वागत करता हूँ UFZ गेमिंग की एक और नई वीडियो में। तो मुझे पता है आप लोग चैनल में पहली बार आ रहे हैं, जो भी बंदा पहली बार आ रहा है वीडियो को कर दो लाइक, चैनल को कर दो सब्सक्राइब और व्यास से घंटी के बटन को दबा दो, जिससे कि आपको हर आने वाली वीडियो के बारे में पता लग जाए, यानी कि हर आने वाले अपडेट के बारे में सबसे पहले पता लग जाए। तो पहले नहीं, कई बार लेट भी हो जाता है, लेकिन चलिए अब हो गया है तो चलो फिर करते हैं शुरू। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारी जो पहली अपडेट निकल के आ रही है वो है यहाँ पे फ्री वॉचिंग रिवॉर्ड को लेकर के, जो कि है फ्री फायर एशिया चैंपियनशिप की, जो कि 28 नवंबर को होगा। उसकी लाइव स्ट्रीम के लिए आपको फ्री की वॉचिंग पे वॉचिंग पे आपको फ्री रिवॉर्ड मिलने वाले हैं। तो 200 के एक वॉचिंग हिट करने में आपको मिलेगा डायमंड रॉयल वाउचर और वेपन रॉयल वाउचर। उसके बाद जो आपको टायर टू होगा वहाँ पे 400 की वॉचिंग पे आपको कोई चार में से कोई एक चीज मिलेगी, कपेला, एलवारो, गाड़ी की स्किन और पैराशूट। और बात की है 600 के वॉचिंग के बारे में, तो 600 के की वॉचिंग पे आपको मिलने वाली है ग्लू वॉल या फिर सीजन 7 का एक इमोट और उसके और फिर या फिर एक के की एक स्किन या फिर फ्रैगमेंट। तो आपको इन चारों में से कोई एक मिलना है। तो यहाँ से 28 नवंबर को जरूर देखिएगा फ्री फायर एशिया चैंपियनशिप और रिवॉर्ड के लिए हमारे साथ बने रहे, आपको कोड बताऊंगा मैं उस दिन रात को। उम्मीद है आप सब भी मेरी तरह खुश होंगे क्योंकि फ्री में रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं। तो बात कर लेते हैं अब अगली जो आने वाली अपडेट है उसके बारे में, जो है डायमंड रॉयल और एक बंडल। तो देखिए आपकी स्क्रीन के ऊपर, तो हम लोग आ चुके हैं लक रॉयल की तरफ और बढ़ते हैं डायमंड रॉयल की के लिए। तो ये रही डायमंड रॉयल की कॉस्ट्यूम नई, जो कि मुझे लग रहा है आने वाली है, लेकिन काफ़ी बंदे कुछ और भी कॉस्ट्यूम बना रहे हैं। मेरा तो लगता है कि 70% चांसेस इसी बंडल के आने के हैं क्योंकि इसका मेल वर्जन भी आया हुआ है। तो देख लीजिए बंडल किस तरह का है, यहाँ पे बाल अच्छे हैं लेकिन जो बात किया फेस पे लगा हुआ है वो तो भाई बोले तो टट्टी है। जूते भी काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन सबसे अच्छा लगा मुझे इसका टॉप, क्योंकि इसके टॉप पे यहाँ पे देख सकते हैं इसकी बाजू पे जो गुड़िया जैसी बनी हुई है, जहाँ से खून की जो खून टाइप का एनिमेशन है और वो हाथों पर जा रहा है ग्लव्स पे। और पैंट की बात किया, पैंट भी बहुत बढ़िया। ओवरऑल रेटिंग दी जाए तो मैं दूंगा इसको 7 out of 10, काफ़ी अच्छा बंडल है। मुंह के टैटू को छोड़ के भाई पूरा बंडल मस्त है। लेकिन उसके बाद यहाँ पे ये बंडल जो कि अभी तक नहीं अवेलेबल हुआ है इंडिया सर्वर में, इसके जो सिर के ऊपर जो एनिमेशन आ रहा है ना गाइस, गजब लेवल का एनिमेशन लग रहा है यहाँ पे, मुझे तो बहुत पसंद आया ये बंडल। बाहर के सर्वर में हेयर स्टाइल ओपी और इसके ऊपर जो ये बन रहा है ना भाई, सांप जैसा भाई, गजब है। और इसका जैकेट भी बहुत ही बढ़िया है, पैंट को बोले पैंट भी ओपी है गाइस, एकदम ओपी बंडल लगा है, मुझे तो बहुत ही पसंद आया है। देखते हैं कब तक निकल के आता है इंडिया सर्वर में। तो वीडियो को कर देना लाइक और चैनल को देना सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एक और नई फ्रेश न्यू अपडेट की वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।